हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हमारे वर्लपूल के वॉशिंग मशीन में आखिर कपड़े अच्छे से धुलाई क्यों नहीं होते हैं और कपड़े में दाग क्यों रह जाता है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा वर्लपूल का वॉशिंग मशीन है और इसमें प्रॉब्लम है, कपड़े की धुलाई अच्छे से नहीं होती है। आज हम इसको करने वाले हैं प्रॉब्लम को सॉल्व। सबसे पहले हम करते हैं पीछे का ढक्कन को ओपन और अंदर इसके जो बेल्ट हमारा लगा होता है उसको हम करते हैं चेक। तो सबसे पहले बेल्ट देख लेते हैं इसमें कि यहाँ पे जो बेल्ट लगा हुआ है अंदर वो हमारा ढीला तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर मशीन का बेल्ट ढीला होने की वजह से भी हमारा कपड़े का धुलाई अच्छे से नहीं होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसको मशीन को चेक कर लेते हैं, बेल्ट हमारा ढीला है कि नहीं है। तो उसके बाद चालू करके चेक करेंगे। यहाँ बेल्ट हमारा रेडी है और मशीन को गियर बॉक्स को ऐसे पकड़ कर हम मशीन को ओपन कर देंगे। अगर जो हमारा गियर बॉक्स रुक जाता है तो समझो हमारा जो इसमें का मोटर का लोड नहीं ले पा रहा है, जिसके कारण हमारा ये जो कैपेसिटर है इसका स्टार्टर, इसमें ओरिजिनल कैपेसिटर डालना पड़ता है। जैसे कि देख रहे हैं आप, हमने ब्लू कलर का कैपेसिटर डाला है, ये ओरिजिनल वर्लपूल का है। अगर जो आप दूसरे कंपनी का डालेंगे तो मशीन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस इतना ही, धन्यवाद।